वेज टू एड फाइबर टू योर डाइट बाय डॉक्टर सुधा अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पीपीएम कॉलेज कानपुर। अपने इस पीपीटी में मैं आपको आपकी डाइट में फाइबर को ऐड करने की कुछ तरीके बताने जा रही हूँ। डाइटरी फाइबर्स के फायदे और स्रोत की जानकारी डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने अपने पीपीटी में आपको दी। The 2015 to 2020 dietary guidelines recommend that your diet needs 14 grams of fiber per 1000 calories per day. They also provide guidelines based on your age and gender. Woman aged 19 to 30 should consume 28 grams of fiber per day. Men aged 19 to 30 should consume 33.6 grams of fiber per day. Women aged 31 to 50 should consume 25.2 grams of fiber per day. Men aged 31 to 50 should consume 28 grams of fiber per day. Women aged 51 and over should consume 22.4 grams of fiber per day. Men aged 51 and over should consume 28 grams of fiber per day. 2015-2020 डाइटरी गाइडलाइंस के अनुसार हमें 1000 कैलोरी वाली डाइट के लिए 14 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अमेरिकन गाइडलाइंस ने इसे एज और जेंडर के हिसाब से निर्धारित किया है। वुमेन्स जिनकी एज 19 से 30 वर्ष की है उन्हें 28 ग्राम फाइबर की मात्रा प्रतिदिन देनी चाहिए। उसी आयु अवस्था के पुरुषों को फाइबर की मात्रा 33.6 ग्राम लेनी चाहिए। वुमेन जिनकी एज 31 से 50 वर्ष की है उन्हें 25 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लेने चाहिए। उसी आयु अवस्था के पुरुषों को 28 ग्राम ऑफ फाइबर प्रतिदिन लेने चाहिए। वुमेन जिनकी एज 51 से ऊपर की है उनको 22.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर प्रतिदिन लेना चाहिए और पुरुष जिनकी अवस्था 51 से ऊपर की है उनको 28 ग्राम्स ऑफ फाइबर प्रतिदिन लेने चाहिए। लीव द पील और स्किन ऑन एप्पल्स, कुकुम्बर्स एंड स्वीट पोटैटोस। व्हेन यू पील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू ऑफन रिमूव हाफ द फाइबर। For instance, one small apple has 3.5 grams of fiber, but a peeled apple has less than 2 grams. Similarly, a small potato has 3 grams of fiber, one of which is from the skin. The kind of fiber found in the peel of fruits and vegetables is generally insoluble fiber. हम जो फल खाते हैं, उन्हें हमें बगैर छीले हुए खाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर से खीरा, स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, वो हमें बगैर छीले खाने चाहिए। जब हम फलों को छील देते हैं तो हम उसके आधे से ज्यादा फाइबर्स को निकाल देते हैं। जैसे एक छोटे छीले हुए एप्पल में फाइबर की मात्रा 2 ग्राम से भी कम होती है, जबकि एक स्मॉल एप्पल जिसका छिलका नहीं उतारा गया है उसमें 5 ग्राम फाइबर होते हैं। इसी प्रकार से एक छोटे आलू में 3 ग्राम फाइबर होते हैं और जब उसका छिलका छील देते हैं तो उसमें केवल 2 ग्राम फाइबर होते हैं। इसलिए हमको फलों को बगैर छीले खाना चाहिए। स्नैक ऑन फ्रूट। हमें फल स्नैक ऑन फ्रूट इंडिविजुअल पीसेज ऑफ फ्रूट सच एज एन एप्पल और पियर make great snacks because they are tasty and portable. All fruit delivers fibers, although some have significantly more than others. For instance, one small pear has almost 5 grams of fiber, whereas a cup of watermelon has less than 1 gram. Berries and apples are other high fiber fruits. The fiber from fruit can improve fullness,
especially when paired with food that contains fat and protein, such as nut, butter or cheese. हमें फलों को स्नैक्स की जगह पर खाना चाहिए, जैसे सेब, नाशपाती, ये स्वादिष्ट होते हैं और साथ ही इनको कैरी करना भी आसान होता है। सभी फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, किसी में थोड़े से ज़्यादा, किसी में कम। फॉर इंस्टेंस, एक छोटे नाशपाती में 5 ग्राम फाइबर होते हैं, जबकि एक वाटरमेलन के 1 कप में केवल 1 ग्राम फाइबर होता है। बेरीज और एप्पल्स भी फाइबरस फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स को जब हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो वह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ईट द होल ऑरेंज इंस्टेड ऑफ जस्ट द जूस। वी आर नॉट सेइंग ऑरेंज जूस इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज इट हैज गॉट प्लेंटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। हाउएवर व्हेन यू हीट द होल ऑरेंज यू आर गेटिंग मच मोर फाइबर, इट इज जूसी एंड स्वीट एंड यू स्टिल गेट ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स। ए होल ऑरेंज प्रोवाइड्स 3.7 ग्राम ऑफ फाइबर्स, वाइल अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्रोवाइड्स जस्ट 0.6 ग्राम्स ऑफ फाइबर। हमें संतरे के रस की जगह पूरा संतरा खाना चाहिए। एक छोटा संतरा में 3.7 ग्राम ऑफ फाइबर होता है, जबकि 1 गिलास संतरे के जूस में केवल 0.6 ग्राम्स ऑफ फाइबर रह जाते हैं। इसलिए हमें संतरे के रस की जगह संतरे को ही खाना चाहिए। स्नैक ऑन नट्स एंड सीड्स। नट्स सच एज वॉलनट्स, पीकन्स, almonds, Brazil nuts and cashews are good sources of fiber, protein and beneficial fats. They are perfect for an afternoon snack. They all tide you over until dinner time. All nuts are good, but watch out for the flavored and sugar coated nuts that add extra calories. हमें अपने खाने में स्नैक्स की जगह नट्स और स्वीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नट्स जैसे अखरोट, बादाम, काजू, इनको हमें खाने में शामिल करना चाहिए। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनमें अच्छा वाला वसा भी होता है। ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, इनको खाने के बाद हमें जल्दी भूख भी नहीं लगती, लेकिन हमें शुगर कोटेड नट्स से बचना चाहिए। इंक्लूड वेजीज इन मील्स एंड ईट देम फर्स्ट। हमको अपने खाने में सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें पहले खाना चाहिए। फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स यू शुड ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। फॉर वन थिंग, दे कैन लोअर योर रिस्क ऑफ सेवरल क्रॉनिक डिजीजेस। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आर पर्टिकुलरली लो इन कैलोरीज एंड हाई इन न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फाइबर। ईटिंग योर वेजिटेबल्स बिफोर ए मील इज गुड स्ट्रेटजी फॉर ईटिंग मोर। In one study, women given salad before 20 minutes before a meal ate 23% more vegetables than those served salad at the meal. Eating salad or vegetable soup before a meal has also been linked to eating fewer calories during a meal. हमें अपने खाने में vegetables का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सब्जियों का सलाद खाने के 20 मिनट पहले खाना चाहिए। उससे हमें करीब 25% मोर सैलेड फाइबर्स प्राप्त होते हैं और खाने में ज़्यादा कैलोरीज कम और हाई न्यूट्रिएंट्स और हाई फाइबर की मात्रा प्राप्त होती है। सर्व्ड बीन्स और लेंटिल्स एज ए साइड। लेग्यूम्स आर सुपर हाई इन फाइबर। Serving beans or lentils with lunch or dinner instantly boosts your fiber intake dramatically. 1/2 cup of black beans provide 8.3 grams of fiber and 1/2
cup of lentils provide 8 ounces. Try vegetarian baked beans or some black beans, lentils or red beans as a side. They are all high in fiber and loaded with nutrients. Oh, and canned beans are fine too. Just rinse them before cook. हमें अपने खाने में दालों का इस्तेमाल करना चाहिए. दालें सब फाइबर में रिच होती हैं और प्रोटीन में रिच होती हैं और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं. सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. एक कप काली दाल में करीब 8.3 ग्राम ऑफ फाइबर्स होते हैं, जबकि एक कप लेंटिल्स में अबाउट 8 ग्राम ऑफ फाइबर होते हैं. इसलिए हमको अपने खाने में दालों को इस्तेमाल करना चाहिए. दे आर फुल ऑफ फाइबर एंड लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स से भरपूर और फाइबर से भरपूर. Eat a salad as a meal. One of our favorite ways to boost fiber and cut calories is to eat a salad that is hearty enough to serve as a meal. Start with a bed of flavorful greens such as kale, arugula or spinach. Add chickpeas or white peas for some plant-based protein, nuts or seeds for some healthy fat, then top with a little bit. हमको खाने की जगह एक भोजन केवल सलाद का करना चाहिए, जिससे कि हमारी कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है. चूज होल ग्रेन्स ओवर रिफाइंड ग्रेन्स. Whole grains are minimally processed, leaving the whole grain intact. In contrast, refined grains have been stripped of their vitamin and fiber-rich brine. This takes away the most nutritious parts, leaving only a fast-absorbing carb. Try replacing at least half of the refined grains in your diet with whole grain versions, in addition to oatmeal or brown rice. Whole grains are minimally processed. हमें refined grains की जगह whole grains का इस्तेमाल करना चाहिए. Refined grains को refine करने में, whole grains को refine करने में हम उसके nutritious part को निकालना पड़ता है. और whole grains vitamin और fiber rich होते हैं, जबकि रिफाइंड ग्रेन्स में उनका विटामिन और फाइबर रिच पार्ट निकल जाता है. इसलिए हमको अपने खाने में आधे से अधिक रिफाइंड ग्रेन्स को होल ग्रेन से रिप्लेस कर देना चाहिए. हमको वाइट फ्लोर की जगह होल व्हीट फ्लोर खाना चाहिए. वाइट राइस की जगह हमको ब्राउन राइस खाना चाहिए और कॉर्न फ्लोर की जगह हमें होल कॉर्न मील खाना चाहिए. Eat popcorn. Popcorn is one of the best snack foods around. That is because it is actually a whole grain delivering 4 grams of fiber per ounce. That is 3 cups of air popcorn. Popcorn एक अच्छा स्नैक है क्योंकि ये होल ग्रेन है. इसके 28 ग्राम पॉपकॉर्न खाने से हमें 4 ग्राम फाइबर मिलते हैं. इसलिए हमको अपनी डाइट में पॉपकॉर्न को इस्तेमाल करना चाहिए. Here are some additional tips that can be helpful in the transition to a high fiber diet. Eat a minimum of 3 servings of vegetables and 2 servings of fruit every day. American guidelines के अनुसार हमें अपने भोजन में दिन में 3 बार सब्जियां और 2 बार फ्रूट की सर्विंग्स खानी चाहिए. एक सर्विंग में 1 कप लीफी ग्रीन्स आती हैं और एक फ्रूट की सर्विंग में 1 छोटा फ्रूट
या हाफ कप क्रॉप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। इंक्लूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बोथ विद एवरी मील। हमको अपने खाने में फल सब्जियां या दोनों प्रत्येक खाने में इस्तेमाल कर दीजिए। जब भी हम भोजन देते हैं तो उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मस्ट बी इंक्लूडेड। ईट पल्सेस द सीड्स ऑफ वार्ट प्लांट्स इन द लेग्यूम फैमिली सच एज बीन्स लेंटिल्स एंड पीस एंड एटलीस्ट 3 times a week। हमें अपने खाने में दालों का इस्तेमाल करना चाहिए और दालों में बीन्स लेंटिल्स पीस कम से कम 1 सप्ताह में 3 बार जरूर खानी चाहिए, क्योंकि दालें और बीन्स जो हैं वो फाइबर से भरपूर होती है। रिलाई ऑन नट्स सीड्स एंड फ्रूट्स फॉर स्नैक्स। हमें नट्स काजू बादाम अखरोट सीड्स एंड फ्रूट्स को स्नैक्स की तरह यूज करना चाहिए। Replace refined grains like white rice with whole grains like brown rice. Refined grains की जगह हमें whole grains का यूज करना चाहिए। जैसे white rice की जगह हमको brown rice यूज करना चाहिए। White flour की जगह हमें whole grain flour यूज करना चाहिए। Check nutrition fact labels for the amount of dietary fibers. जब भी हम बाजार से सामान लेने जाए तो हमें उस में न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल को जरूर देखना चाहिए कि उसमें डाइट्री फाइबर का अमाउंट कितना है। ये हमको कोई भी खाने की चीज लेने से पहले इस लेबल को चेक करना चाहिए। प्रिकॉशंस। हाई फाइबर फूड्स आर गुड फॉर योर हेल्थ बट एडिंग टू मच फाइबर टू क्विकली कैन promote intestinal gas, abdominal bloating and cramping. Increase fiber in your diet gradually over a few weeks. This allows the natural bacteria in your digestive system to adjust to the change. Also drink plenty of water. Fiber works best when it absorbs water, making your stool soft and crunchy. High fiber food hamare swasth ke liye अच्छा होता है, लेकिन हमें फाइबर को अपनी डाइट में धीरे धीरे शामिल करना चाहिए, जिससे कि उसको वो अगर फाइबर को हम अपनी डाइट में जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं तो वो हमें इंटेस्टाइनल गैस हमारे आंतों में गैस बनती है, पेट फूलता है और हमें पेट में मरोड़ता है। इसलिए हमको फाइबर को अपनी डाइट में धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। फाइबर खाने के साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि फाइबर तभी अच्छे से काम करते हैं जब वो पानी को सोखते हैं और हमारे पेट को ठीक से साफ करते हैं, लेकिन योर स्टूल सॉफ्ट एंड बल्कि तो फाइबर का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमको पानी का भी इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। Here are some questions for your answers. Thank you.